me man phawang su mo pakhat sangsatham longhua united society ka president aaj aapka channel ke dwara arunachal today ka dwara se main apna ek dukhat व्यक्त करना चाहूँगा। ये मोपाटी स्टेट तो सुना होगा सब लोगों ने। तो मोपाटी स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का साथ हम लोग का लीज एग्रीमेंट हुआ था 50 इयर्स के लिए, तो ये शुरुआत हुआ था 1979 में। तो रेजुलेशन उसका ड्राफ्ट हुआ 1980 में। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट हम लोग को दिया था, लाभ का जो लीज रेंट आपको मिलेगा और उसका प्रॉफिट शेयर मिलेगा बोल के। तो काफ़ी साल से चलाते आए हैं। तो अभी बहुत साल से फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने इसको छोड़ के रखा है। पहले इतना अच्छा से चलाते हुए देखा है, लेकिन अभी कुछ सालों से ये चीज़ डिफंग होते हुए देखा है। और ये किसी थर्ड पार्टी ने चला रहा है। तो हम लोग का जो एग्रीमेंट में वो नहीं है एग्रीमेंट का हिसाब से, जो फर्स्ट पार्टी चला के जो प्रॉफिट लॉस जो है हम लोग का साथ शेयर करके लेस रेंट देगा, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग साथ में शेयर करेंगे बोल के हम लोग का साथ एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन ये एग्रीमेंट भी जो लिया गया था 1979-80 में, लेकिन जो बहुत देर में एग्रीमेंट हुआ है, ये 1992 में एग्रीमेंट हुआ है। जो एक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए 1980 में, लेकिन हुआ है बाद में बहुत 1992 में। लेकिन ये हम लोग नहीं मानता है ये एग्रीमेंट को। ये मेरा हाथ में है जो एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में और एग्रीमेंट में कुछ ऐसे चीज़ है कि ये फुलफिल नहीं कर रहा है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन हम लोग का साथ। जो देना चाहिए, जो लाभ देना चाहिए, जो रिवेन्यू हम लोग को मिलना चाहिए लैंड रेंट, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। बहुत साल हो गया उसका प्रॉफिट, ना प्रॉफिट शेयर कर रहा है, ना लीज रेंट दे रहा है। तो इसलिए हम लोग इसके लिए नया एग्रीमेंट हम लोग बनाना चाहता है। तब तक के लिए हम लोग का जो फॉरेस्ट मोपाटी स्टेट को हम लोग टोटली बैन करना चाहता है। जब तक गवर्नमेंट आके हम लोग के साथ जो नया एग्रीमेंट रिव्यू नहीं करेगा, जब तक ये एग्रीमेंट को रिव्यू नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि रेजुलेशन जो डीड ऑफ एग्रीमेंट का सीरियल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अगर डिस्प्यूट दोनों का पार्टी, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी, जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का साथ और रूरल वेलफेयर सोसाइटी का साथ में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो इसमें हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव निकाल के इसको सॉल्व करेगा। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से अपील करता है, मतलब फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से, कि उसका भी कोई पार्टी आए हम लोग का साथ बात करने के लिए, ताकि हम लोग भी अपना बात रख सके और गवर्नमेंट भी अपना प्रॉब्लम हम लोग के साथ शेयर कर सके। क्योंकि जो रिवेन्यू मिलना है, जो प्रॉफिट मिलना है एक्चुअल में हम लोग को, वो नहीं मिल रहा है। जो हम लोग टोटली हम लोग जो लैंड ओनर है वो डिप्राइव हो रहा है इसमें। एक्चुअल हम लोग तो लैंड तो दे के रखा है, लेकिन जो प्रॉफिट आना है वो नहीं आ रहा है। और हम लोग हम लोग ड्राफ्ट हो गया, हम लोग का रिप्रेजेंटेशन जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर को, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को। ये ड्राफ्ट हो गया, कल ही हम लोग इसको ऑफिस में जमा कर देंगे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस में टनागर। तो उसके बाद हम लोग जो भी कार्रवाई होगा, हम लोग तब तक के लिए, जब तक वो लोग बात नहीं करेगा गवर्नमेंट आके हम लोग का साथ, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन हम लोग का साथ बात नहीं करेगा, तब तक के लिए हम लोग का जो टोटली मोपाटी स्टेट बंद रखेगा। उसका बात ही हम लोग 1992 से आपका एग्रीमेंट है, तो आप पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाए आप लोग?
जो कि हम लोग को जो पेपर एक्चुअल में देना चाहिए था ऑफिस से, जो एग्रीमेंट पेपर वो नहीं दिया गया था। तो लास्ट में हम लोग ये रिसेंटली 2 ईयर्स बैक मैंने ऑफिस जाके ये डीएम ऑफिस डीएमआली जाके कलेक्ट किया इसको ना, उसका बाद ही हम लोग इसको रिव्यू किया तो ऐसे मिला है। तो एक्चुअल में हम लोग का जो रेजुलेशन है, जो पहले रेजुलेशन था जो वहाँ से शुरू होगा बोल के सोचा था हम लोग, जो एग्रीमेंट जो एक्चुअल एग्रीमेंट जो उसमें भी एग्रीमेंट कुछ किया था, लेकिन वो एग्रीमेंट अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। लेकिन जो नया एग्रीमेंट है वो खोज के मिला है 1992 में, जो कि इतना साल 50 ईयर्स का एग्रीमेंट है, लेकिन हम लोग का जो लैंड लिया गया था 1980 में तो उसका हिसाब से हम लोग का डेट वहाँ से लागू होना है 50 ईयर्स एग्रीमेंट। तो अभी कुछ साल में हम लोग का जो एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 1992 को लेके हम लोग का ये भी टोटली हम लोग इसके डिसएग्री है ये एग्रीमेंट का साथ भी। तो इसको लेके गवर्नमेंट का साथ डायरेक्ट डिपार्टमेंट का साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन उसका साथ ही हम लोग बात करके इसको क्लियर करने का बात ही हम लोग इसको सारा एक्टिविटीज जो मेंटेनेंस जो करेगा अभी मेंटेनेंस का सीजन है अभी तो उसमें हम लोग रुकावट डाल रहा है। आपका जो लैंड रेवेन्यू और प्रॉफिट शेयर जो है कब से नहीं मिला है और कितना मिलना चाहिए था? आपका जो प्रॉफिट जो लैंड ट्रेंड का बारे में जो आप पूछा है तो सही क्वेश्चन है जो कि जानना जरूरी है सबको, स्पेशली फॉर द टू द डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट। ये है कि हम लोग को जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग को पर हेक्टर 250 रुपीज हम लोग को मिलना चाहिए था लैंड रेंट लीज रेंट जो है लैंड रेंट, और प्रॉफिट शेयर 50% प्रॉफिट शेयर है। ये उस बीच में हम लोग का जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने हम लोग का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके लिए 10% डिडक्शन करने का जो इसमें एग्रीमेंट में है, तो 40% जो उस 40% हम लोग को मिलना चाहिए उसमें भी, जो 40% जो प्रॉफिट शेयर है वो नहीं मिल रहा है क्योंकि इतना साल से वो लोग इसको फर्स्ट पार्टी जो हम लोग से जब लिया था अच्छा से चलाएगा हम लोग अच्छा से चलाएगा इससे प्रॉफिट कमा के हम लोग को देगा, लेकिन वो लोग ठीक से चला ही नहीं रहा है तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। तो अभी तक हम लोग को बहुत साल हो गया हम लोग रिवेन्यू नहीं देखा है, एग्जैक्टली डेट तो पता नहीं है कब से, साल तो पता नहीं है कब से नहीं दिया है, लेकिन बहुत साल हो गया इसका, तकरीबन 10-15 साल हुआ होगा। तो इसको टोटली इसको रिन्यू करना है, ये सब लीज रेंट हो या आपका जो प्रॉफिट शेयर हो इसको लेके हम लोग, मतलब जो हम लोग तो ये प्रॉफिट के लिए दिया था जो कि हम लोग का लेंथ अच्छा काम में लाएगा गवर्नमेंट, तो हम लोग को भी कुछ सहायता मिलेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है वो शायद गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं उठ रहा होगा और ऊपर से हम लोग का तो डिप्राइव ही डिप्राइव हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जो इतना ज़मीन 92 हेक्टर्स जो है बेकार पड़ा हुआ है, कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको अगर फर्स्ट पार्टी नहीं चला पा रहा है इनकेस, तो फर्स्ट पार्टी नहीं चला पा रहा है तो हम लोग को सेकेंड पार्टी को वो लैंड लौटा देने से ही ये अच्छा काम में ला सकता है हम सोसाइटी, कुछ डेवलपमेंटल काम में ला सकता है। इसलिए हम लोग अगर ठीक से नहीं चला सकेगा तो हम लोग इसको हम लोग खुद टेकअप करके अच्छा गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल काम में भी यूज़ कर सकता है और बाकी हम लोग का जो पर्सनल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकता है वो लैंड। थैंक यू सो मच। तो राजा साहब आप उसमें इधर को लेके क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये कहने चाहूँगा मेरा तरफ से लोंगहो संसाथम मोपाखात का राजा होते हुए मैं ये कहने चाहूँगा बहुत दुख की बात है मैं ये फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जॉब से एग्रीमेंट हुआ है तब से अभी तक हम लोग प्रॉफिट शेयर ना लीज रेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए फॉरेस्ट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल
टेबल में एक साथ में बात करेगा, जब तक बात नहीं करेगा तब तक हम बंद रहेगा, सीधा सीधी यही बात है। मेरा नाम चौथा कराम है। मैं चाहूँगा बोलने चाहूँगा, जो अभी राजा साहब ने बोला है वो सही है। 1979 से जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लिए एग्री किया था, उसी टाइम में हम लोग इतना जानकारी नहीं था फॉरेस्ट कॉरपोरेशन खोलने से, चाय पत्ती बागान खोलने से कैसा होगा, वो उसी टाइम में कोई लिखाई पढ़ाई भी नहीं था। उसी टाइम में खुलकर अभी तक हम लोग को ये कैसा एग्री किया था, कब तक था और शेयर क्या क्या मिलना था, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। उसी के लिए हम लोग भी, मैं भी वही चाहता हूँ कि राजा साहब जो बोला है कि यहाँ में आके फॉरेस्ट कॉरपोरेशन यहाँ में आके बात करेगा, तब तक बात नहीं करने तक हम लोग ये बागान बंद रहेगा। बोलिए ये सर। हम लोंगहा मोपाखा संसद हम स्टूडेंट यूनियन यहाँ में जितना भी स्पीकर लोग ने बोल चुका है वो बात को हम लोग फुल सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हम लोग का ज़मीन को डोनेट किया गया था वो जो हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करके कुछ हम लोग का बेनिफिट होगा सोच के हम लोग डोनेट किया गया था इसको, लेकिन हम लोग का बहुत साल हो गया जो कि हम लोग को लैंड रिवेन्यू नहीं मिला, जो लीज रेंट नहीं मिला, उसके बाद बहुत कुछ प्रॉफिट शेयर ये सब भी नहीं मिला है। तो हम लोग को ये सब मिलना है जैसा भी हो, क्योंकि जो हम लोग का बस्ती है लोंगहा मोपाखा संसाथम वो जो है बहुत ही रिमोट एरिया में पड़ता है ये सब, एक वक्त का रोटी भी नहीं मिलता हम लोग को किसी को। तो हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर को अपील करता है कि यहाँ में आके मोपाती स्टेट में आके हम लोग के साथ टेबल डिस्कशन करना है, जब तक वो नहीं आएगा हम लोग के साथ डिस्कशन नहीं करेगा तब तक हम लोग मोपाती स्टेट को बंद करके रखेगा। लास्टली हम यही बोलेगा कि एमजी को हम लोग का जो डिमांड है उसको फुलफिल करना होगा, तब तक हम लोग मोपाती स्टेट को बंद कर